जैसे ही हम 40s में आते हैं, हमारे शरीर में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जिससे एकदम से मसल लॉस, वेट गेन, बेली फैट बढ़ना एंड लो एनर्जी लेवल्स हम फील करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो आपको 40s में लेने हैं। हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट्स बाय स्वाति। आई एम स्वाति, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डायबिटीज एजुकेटर एंड सर्टिफाइड योगा कोच। आई हैव मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। फर्स्ट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। एस्ट्रोजन लेवल कम होने से शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जिससे जॉइंट पेन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। एंड रिसर्च कहता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने से इन्फ्लेमेशन कम होता है। सो इंक्लूड फिश, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स इन योर डेली मील्स। ध्यान रहे कि फ्लैक्स सीड्स को ओवर रोस्ट नहीं करना है। सेकेंड इज इंक्रीज फाइबर इनटेक। मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से गट माइक्रोबियल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ब्लोटेडनेस, गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिलते हैं। सो इंक्लूड मोर फाइबर इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। वॉच ऑन प्रोटीन इनटेक। 40s में मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, जिससे मसल लॉस होता है एंड फैट बढ़ती है। सो एडिक्वेट प्रोटीन लेने से ये मसल मेंटेनेंस एंड वेट को मैनेज करने में मदद करता है। सो इंक्लूड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, फिश, चिकन इन योर डेली मील्स। ऑल्सो वॉच माई डिटेल्ड वीडियो ऑन प्रोटीन मिस्टेक्स वी ऑल मेक। फोर्थ, गेट इनफ कैल्शियम। हेल्दी मसल्स इज इक्वल टू हेल्दी बोन्स। जब मसल लॉस शुरू होता है तो उसके साथ बोन्स भी वीक होने शुरू हो जाते हैं। सो इंक्लूड कैल्शियम रिच सोर्सेज इन योर डेली मील्स, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, राजगिरा, तिल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ध्यान रखें कि आप रोज 10 से 15 मिनट सन एक्सपोजर लें, जिससे आपका विटामिन डी लेवल मैनेज रहेगा। एंड ऑल्सो इंक्लूड लींबू पानी फॉर वाइटामिन सी, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। फिफ्थ, चेक फॉर वाइटामिन B12 लेवल्स। B12 इज वेरी क्रूशियल फॉर ब्रेन फंक्शन। B12 कम होने से वीकनेस, फटिगनेस एंड एंजाइटी लेवल्स बढ़ते हैं। सो इंश्योर योर वाइटामिन B12 लेवल इज बैलेंस्ड। सो इंक्लूड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स इन योर डेली मील्स। सो अलॉन्ग विद दिस 5 न्यूट्रिएंट्स, इंश्योर कि आप एक्सरसाइज रोज करें इन अ फॉर्म ऑफ ब्रिस्क वॉक फॉर 30-45 मिनट्स एवरी डे। एंड वॉक्स के साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी इनकॉर्पोरेट करें, जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस एंड हार्ट डिजीज के रिस्क से बचा सकता है। एंड अलॉन्ग विद एक्सरसाइज 10-15 मिनट डीप ब्रीदिंग भी रोज करें, जो आपको मेंटली काम डाउन रखेगा। ऑल्सो एंश्योर यू अवॉइड प्रोसेस फूड्स, बिकॉज दे आर हाई इन सोडियम, शुगर एंड अनहेल्दी फैट्स, जिससे वेट गेन होता है। सो लेडीज, अपने शरीर में हो रहे चेंजेस को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। स्मॉल हैबिट्स कैन गिव यू बिग रिजल्ट्स। सो स्टार्ट वर्किंग फॉर योर हेल्थ फ्रॉम टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर न्यूट्रिशन साइंस बेस्ड वीडियोज। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी।